या हेते पे पकड़े तो हेते पे पकड़े तो आगे ये हम भी तो आ गए हम के पास आओ दूर ये इंजन देखा आओ दूर बस नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि विलास रायकवार। जैसा कि आपने इस इंजन में देखा कि जो इंजन जो मिस फायर कर रहा है, ये बहुत से कमेंट आ रहे थे मेरे, मैंने देखा था बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो बनाता हूँ। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले से भी बना रखा है, आपने शायद ना देखा हो, बट इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस इंजन में होता कि हो ये रहा कि मैंने इसमें रिंग डाली थी और सीआर वगैरह ये सबको डालने के बाद भी जो इंजन की स्पीड होती है बराबर नहीं चलती, और बराबर ना चलने का कारण यह है कि जब हम हैंडल लगाते हैं तो एक कट कट की साउंड आ रही है। मैं आपको अभी दिखा दूँगा ये साउंड कैसा आ रहा है। तो इसी के कारण ये जो हमारा इंजन मिस फायर करने लगता है, इसी के कारण होता है। ये मिस फायर होने का कारण सिर्फ यही होता है। तो ये बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो इसीलिए मैंने इसको खुद रिपेयर किया है और आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए, देखिए ये जो है ये पीछे हो रहा है बार बार, और जिस समय तेल देना चाहिए उस समय तेल ये दे नहीं रहा। सो इसीलिए जो हमारा तेल है कम ज़्यादा पा रहा है और समय में नहीं पा रहा, तो आगे पीछे हो रहा था, इसीलिए मिस फायर कर रहा है। और आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में भी लेट कर रहा, तो इसके कारण कभी तेल कम पा रहा है, कभी तेल ज़्यादा पा रहा है। आपने अगर 10 HP का देखा हो तो उसमें अगर कट जाती थी दौड़ तो यही दिक्कत आती थी, तो उसे फिर इसको मुझे खोलना पड़ेगा तब जाके ये सही होगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा गैप है, और दोस्तों ये केम साफ्ट बाहर निकालनी पड़ेगी, इसके बाद ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपके इंजन में भी यही समस्या आ रही है तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान दीजिए कि ये क्या दिक्कत आ रही है। अगर ये दिक्कत आ रही है तो आपका इंजन अप डाउन होता रहेगा। सो इसको मैं रिपेयर करता हूँ, इसके बाद रिपेयरिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी और इसको पूरी तरह से बिल्कुल ये फिर सही हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, और दोस्तों सब्सक्राइब तो करिएगा ही।